वैसे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार डे के साथ में। कई दिन से दो तीन बच्चे बोले थे कि सर डे नहीं आ रहा है आजकल। एक्चुअली जो जुलाई वाला महीना है इसमें इंपॉर्टेंट डे थोड़े कम होते हैं, तो इसलिए इस महीने थोड़े आप लोग कम डे देखने को मिल रहे हैं। वरना पहले तो आप लोगों ने सारे डे डिस्कस किए हैं, उसका रिविजन कर लिया करो जब मन न लगा करे डे के बिना, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल 11 जुलाई को यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिक फोकस ये रहता है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसकी वजह से जो भी इश्यू निकल कर आते हैं तो उन सबको कैसे डिस्कस करना है। देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन बढ़ती है तो बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एजुकेशन देने पड़ती है बच्चों को, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, गरीबी बहुत ज्यादा है उसकी वजह से यहां पर काम निकल के उल्टी सीधी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है, ह्यूमन राइट का हनन काफी ज्यादा स्केल पर होता हुआ नजर आता है, तो कोई भी फैसिलिटी ढंग से प्रोवाइड नहीं कराई जाती ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो इसीलिए यहां पर कैसे कंट्रोल कर हम लोग इस सिचुएशन को आगे बढ़ सकते हैं और कम से कम एक इतनी पॉपुलेशन रखें जिसको हम लोग ढंग से अच्छी सी एजुकेशन दे सके, अच्छा खाना खिला सके, अच्छे से रख सके, कोई प्रॉब्लम देखने को मिले, तो इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। फैमिली प्लानिंग क्या क्या है हमें यहाँ पर, मैटरनल हेल्थ, जेंडर इक्वलिटी, पुअर्टी और ह्यूमन राइट, ये सब काफी बड़े इश्यू होते हैं। और अब की बार कोई स्पेशल थीम नहीं रखी गई है इसकी कि हाँ अब की बार कोई स्पेशल थीम रखेंगे। इन्होंने क्या किया है, 1994 में ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ये देखने को मिली थी 25 ईयर बैक। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 179 गवर्नमेंट्स जो है उनके द्वारा अडॉप्ट किया गया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड जेंडर इक्वलिटी आर इसेंशियल फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर उस टाइम पर जो बात रखी गई थी उसको ही आगे फॉरवर्ड करने की बात की गई है। वरना हर साल कोई ना कोई थीम रहती है, अब की बार पुराने पैटर्न को फॉलो कर कि हाँ हम लोग को सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करना है, जेंडर इक्वलिटी की बात करना है और कुछ ना कुछ ऐसा इसेंशियल करना है जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके। तो ये बेसिक पर्पज है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन को हम लोग एक तरीके से सेटल डाउन नहीं कर पाएंगे तो फिर देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है। और यही टारगेट है 2030 का कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि गरीबी हो गया, भुखमरी हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, जेंडर इक्वलिटी हो गया, तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे पैटर्न में लेके आना है, तो उसी पर फोकस यहां पर दिया जा रहा है। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपकी बार के। नॉर्मली थीम रहती है तो बोलेंगे आपकी बार कोई थीम नहीं है क्योंकि पुराने पैटर्न में यहाँ पर जो ये देखा था यहाँ पर कायरो यानी कि इजिप्ट में यहाँ पर 25 ईयर पहले यहाँ पर ये ऐसी सिचुएशन देखने को मिली, वहां से ये बेसिक थीम उठाई गई है। तो इसलिए क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं एक छोटा सा क्विज, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा, जो कि आप लोग अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में आप लोगों को आंसर बताऊंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे डिटेल में। बात की जा रही है हमारी कंट्री के जो स्कीपर हैं विराट कोहली जी, उनकी फर्स्ट पोजीशन है आज के डेट में आईसीसी की रैंकिंग में। जो यहाँ पर सेकंड नंबर पर पोजीशन है ये किस पर्सनैलिटी की है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है कि किस तरीके से आज के डेट में अगर कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है 4.5, जैसे 4.5% अगर यहाँ पर जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है तो जो ओशियन का लेवल है, जो सी का लेवल है वो कितना बढ़ेगा, ये आप लोगों को बताना है इन चीज में, ठीक है, जो कि आप लोगों को बताया था। क्योंकि देखिए जैसे ग्लेशियर पिघलता है तो काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है जो आसपास वाले आइलैंड वाले एरिया होते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को बता होना चाहिए। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्लान के तहत यहाँ पर कौन सी हमारी कंट्री में ये सिटी है, सिटी के आप लोगों को बता देता हूँ, यूनियन टेरिटरी है जिसने यहाँ पर बाइसिकल शेयरिंग स्कीम स्टार्ट की है। तो ऐसा कर सकते हैं एक जगह से बाइसिकल रही, फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप लोग दूसरी जगह जाना है तो फिर वहां पर ले जाकर आप लोग उसको छोड़ सकते हैं, वहां पर कोई ना कोई उसका सेंटर होगा तो उसको वहां पर रख लिया जाएगा। यानी कि आप लोगों को यानी कि जहां से लेके गए वहीं पर छोड़नी है। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, ए मॉडल विलेज यहां पर अभी बनाए जा रहे हैं हमारी कंट्री के द्वारा। ये किस कंट्री में हेल्प की जा रही है, असिस्टेंट किया जा रहा है ताकि उस कंट्री में अच्छे खासे लोगों को यहाँ पर ये इसके फायदे पहुंचाए जा सके। तो एक कंट्री हमारी पड़ोसी देश, उसको हम लोग ये असिस्टेंस प्रोवाइड करा रहे हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट में, तो कौन सी कंट्री है। यूएसए के द्वारा भी थ्रेट किया गया है यहाँ पर कि अगर 5G कंपनी, इस 5G कंपनी के साथ में अगर काम करेंगे, 5i कौन कौन सी कंट्री थी ये मैंने आप लोगों को बताया था, वीडियो को पॉज करके इसको भी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। 5i जो यहाँ पर जो भी यहाँ पर कंट्री है उनको बोला है कि उनके साथ में इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं की जाएगी अगर इन्होंने वो पर्टिकुलर कंपनी के साथ में काम किया जो कि एक चाइनीज कंपनी है 5G टेक्नोलॉजी में। बहुत न्यूज में इसका आप लोगों को पता ही होना चाहिए क्योंकि चाइना के मिलिट्री लीडर की वो कंपनी है जो कि पहले मिलिट्री में रह चुके हैं, इसलिए ये माना जाता है कहीं ना कहीं आज भी वो कंपनी चाइना की मिलिट्री को सर्व कर रही है। तो इसलिए यूएसए ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उसके साथ में सारे प्रोजेक्ट कट डाउन कर दिए, तो ये न्यूज में था यहाँ पर। तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए इसके बारे में।
नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी कंट्री में जो भी किसी भी तरीके का पेमेंट किया जाता है वो सारा डेटा सिस्टम ओनली हमारी कंट्री में होना चाहिए। आप लोग पेमेंट करते हैं तो कई बार आप लोग क्या करते हैं वहां पर अपना नाम वगैरह इसी के साथ में कार्ड की इन्फॉर्मेशन सब सेव कर लेते हैं कि आगे से पैसा ऐड करना पड़े तो आसानी से हो जाए। वो बोला गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी आंसर बता दिया, चलिए कोई नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये बोला गया कि आप लोगों को क्या करना है कि यहां पर सारा डेटा लोकली होना चाहिए, यानी कि अगर कोई बाहर का कोई इस तरीके फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो वो अपनी कंट्री में उस डेटा को यहां पर सेव रखेगा, ठीक है। तो लोकलाइज हमारा डेटा हमारी ही कंट्री में रहना चाहिए। तो ये काफी न्यूज में भी था और ओसाका में जो G20 की भी मीटिंग हुई थी वहां पर भी इसको लेकर काफी बड़ा इशू था कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। यहां पर बात की जा रही है DEEPCEE, तो ये एक तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड टूल है। ये किसको आइडेंटिफाई करने के लिए अभी यहां पर न्यूज में थी, इसकी फुल फॉर्म क्या है यहां पर, डीप लर्निंग फॉर क्या है यहां पर, ये बाद में है इवोल्यूशन, तो यहां पर इसके बारे में आप लोगों को फुल फॉर्म इसका फिल करना है। आप लोगों को अगर कई बार फुल फॉर्म पता होता है आधा क्वेश्चन तो आप लोग वैसे ही सोल्व कर लेते हो, तो थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्म्स हैं ये भी आप लोग इनका आइडिया जरूर रखा कीजिए। आंसर देख लेते हैं, आइए एक बार इनको मैच कीजिएगा और फिर अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और अगर कुछ भी अगर आप लोग गलत होते हैं तो सोचेगा कुछ अच्छा नया सीखा है आज। सबसे पहले बात की जा रही है इंडियन स्कीपर विराट कोहली जी के बारे में, इनको फर्स्ट रैंक है और दूसरा यहां पर है रोहित शर्मा, ये सेकंड रैंक है, तो इनका नाम याद रख सकते हैं आप लोग, ICC के द्वारा ये रैंकिंग तैयार की जाती है। नेक्स्ट बात की जा रही है, अगर 4.5% यहां पर लॉस होता है आइस में तो लगभग 13 इंच सी लेवल यहां पर बढ़ जाएगा अगर ग्लेशियर पिघलकर ओशन में आता है तो, यानी कि अगर यहां से जो भी ग्लेशियर है यहां ऊपर वाले एरिया में वो सारा बर्फ अगर पिघलता है और ओशन में आता है तो ओशन के पानी का लेवल 13 इंच के करीब बढ़ जाएगा। तो जो भी आइलैंड है यहां पर या फिर हमारे आइलैंड हो गए यहां पर, तो जहां भी ऑल ओवर वर्ल्ड में आइलैंड है उनके ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर पोंडीचेरी है यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया जिसके द्वारा यहां पर बाइसिकल शेयरिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, श्रीलंका की हेल्प की गई हमारी कंट्री के द्वारा ये हाउस असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए ताकि हाउस के प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा सके। वाई है ये कंपनी चाइना की जिसको लेकर यूएसए काफी गुस्सा है और कहीं ना कहीं एक तरह से कंपटीशन भी है यहां पर यूएसए के लिए, क्योंकि यूएसए भी 5G टेक्नोलॉजी में एक लीडिंग कंट्री है, तो चाहता है उसकी कंपनी वहां पर अपना दबदबा रखे ना कि चाइना कंपनी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया जो भी पेमेंट सिस्टम बैंक है प्रोवाइड कराने वाले वो लोकलाइज यहां पर जो डेटा रखे हमारा वो बाहर नहीं जाना चाहिए। डीप सी की बात की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर टूल है ये आइडेंटिफाई करने के लिए गैलेक्सी क्लस्टर को, तो जो भी गैलेक्सीज हैं यहां पर उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पर एक टूल है जिसको बोलते हैं यहां पर डीप लर्निंग फॉर गैलेक्सी क्लस्टर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में एंड इवोल्यूशन, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, पूछा जा सकता है कैसे एनालिसिस करना है और क्या क्या यहां पर इवोल्यूशन हो रहा है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे ली जानी है, तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में था। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहले नजर डालते हैं सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर, यह है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में अभी यहां पर MOU जिसको बोलते हैं आप लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां पर साइन किया गया है फंडिंग के लिए। देखिए होता क्या, अगर कोई भी आप लोग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को फंडिंग चाहिएगी। अब फंडिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो आप लोग प्राइवेट यानी कि बाहर से फंडिंग ले सकते हैं, या फिर इंटरनली कुछ ऐसा सिस्टम किया जाएगी फंडिंग यहां पर गवर्नमेंट की साइड से निकल कर आ जाए। तो यहां पर ये जो है NIFF, तो यह है नेशनल इन्वेस्टमेंट, यह है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है यहां पर ये एक तरीका ऐसा फंड है जो कि यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा ओन यहां पर लगभग आप लोगों को 49% स्टेक इसमें देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर हमारी कंट्री में कोई रास्ता बनाया जा रहा है, कोई रोड यानी कि हाईवे बनाया जा रहा है, तो उस टाइम पर यहां से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की यहां पर पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि 49% गवर्नमेंट का भी इसमें शेयर है। जो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2016 में, इसीलिए एस्टेब्लिश किया गया था ताकि इसका जो फंड रहे लगभग 40,000 करोड़ प्लान किया जा सके और यूज किया जा सके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पर अगर फंड यहां पर नहीं मिल पाता है तो। अगर बात करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में जिसको सेटअप किया गया था 1998 में। बेसिक पर्पज यही है कि कैसे हमारी कंट्री में जो रोड कनेक्टिविटी है वो बढ़ानी है, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का पर्पज भी इसी के अंडर आता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और बाकी बात करें तो यहां पर चतुर्वेदी साहब जो IASRK चतुर्वेदी इसके आज के डेट में चेयरमैन है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के अंडर में आती है जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में है। तो इतनी बातें आप लोग इसके बारे में पता होनी चाहिए। थोड़ा सा और भी यहां पर आप लोग नजर डाल लीजिए, बात करें यहां पर नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, तो ये आप लोग देख सकते हैं CA है यहां पर, CEO है, जो CEO है यहां पर ये है सुजय बोस। बाकी हेडक्वार्टर इसका भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा मुंबई में। ये क्रिएट की गई थी यहां पर 2015 में, बेसिकली जो फंक्शन करना स्टार्ट किया था 2016 में, ठीक है। तो कुछ आइडिया रख सकते हैं, बाकी इसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी सारी बातें बता ही दी। ओके, आइए अब आगे चलते हैं।
नेक्स्ट न्यूज आप लोगों के सामने यहाँ पर वर्ल्ड यूथ स्किल डे के बारे में बात की जा रही है जो कि 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाना है और इसी के चलते 4th एनिवर्सरी है यहाँ पर स्किल इंडिया मिशन के बारे में, यानी कि अगर इंसानों को स्किल दे दी जाए तो वो एक ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसी के चलते यहाँ पर अभी बात की जा रही है कौशल युवा संवाद के बारे में, यानी कि एक युवा डायलॉग, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा कैसे हम लोग सिचुएशन को और अच्छे लेवल पर आगे बढ़ा सकते हैं। पॉपुलेशन काफी हमारी कंट्री है पर लेकिन उस लेवल पर स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है यहाँ पर 8 से लेकर 10 जुलाई तक 2019। तो ये जो कौशल युवा संवाद है, डायरेक्ट क्वेश्चन बने किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलप डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली स्किल डेवलपमेंट की बात यहां पर की जानी है, तो जो यूथ रहेंगे उनको बात की जाएगी स्किल ट्रेनिंग के बारे में, सेंटर क्या 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 आइडिया अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मिनिस्ट्री एक प्रोग्राम को एक इंप्रूवमेंट इफिशियंसी के तौर पर देख रही है कि कैसे और इफिशियंटली इसको इंप्रूवमेंट और इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात की जा रही है यहाँ पर हमारी कंट्री के जो फॉर्मर प्लेयर हैं जिनको कहीं ना कहीं एक दीवार की तरीके से देखा जाता था टेस्ट मैच में, राहुल द्रविड़ जी। राहुल द्रविड़ जी को अपॉइंट किया गया नेशनल क्रिकेट एकेडमी हेड बाय बीसीसीआई, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके द्वारा यहाँ पर अपॉइंट इनको किया गया। अकेडमी जो थी वो स्टेब्लिश की गई थी 2000 में, तो ये इसके यहाँ पर जो हेड रहने वाले हैं ये, तो ये बेसिकली देखेंगे कैसे ये फंक्शन आगे करनी है, मॉनिटरिंग, कोचिंग, ट्रेनिंग जो भी यहाँ पर रहेगा, मोटिवेट करना प्लेयर को, कोच, स्टाफ, सब चीजों के ऊपर यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। तो इसके बारे में याद रख सकते हैं आप लोग, नेशनल क्रिकेट अकेडमी, तो कौन है यहाँ पर हेड बनाने जा रहे हैं, किसको, राहुल द्रविड़ जी को यहाँ पर इसका हेड बनाने जा रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं, छोटी सी न्यूज थी, कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर फाइनलाइज किया गया एक बोर्ड जिसको उत्कर्ष 2020 बोला गया है, ये 3 ईयर का रोडमैप यहाँ पर तैयार करने वाला है, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है रेगुलेशन या फिर जो भी यहाँ पर सुपरविजन रहता है सेंट्रल बैंक का, यानी कि सेंट्रल बैंक की फंक्शनिंग को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसके लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर बोर्ड जो है ये यहाँ पर बनाया गया है आरबीआई के द्वारा, जो बेसिक रहने वाला है, ये मीडियम टर्म स्ट्रेटजी बनाएगा कैसे ग्लोबल सेंट्रल बैंक के प्लान के साथ में हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं, अपने कंट्री के बैंक को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और इंटरनल कमेटी भी फॉर्म की गई यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो रिसेंटली अभी रिजिग्नेशन दिया गया है, डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य, तो ये काफी न्यूज में थे रिसेंटली अभी। तो यहाँ पर तीन बेसिकली यहाँ पर रहेगा कि किस तरीके से आने वाले 3 साल में पोलो में उनका सोल्यूशन निकालना है। तो पहले तो ये उत्कर्ष 2020 क्या है, तो ये हमारी सेंट्रल बैंक की जो फंक्शनिंग है उसको इंप्रूव करने का सोल्यूशन है। बाकी विरल आचार्य जी यहाँ पर एक कमिटी के हेड बनाए गए जो कि देखेंगे कि इश्यूज को कैसे टैकल करना है सेंट्रल बैंक के अंदर में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं, सेंट्रल बैंक हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी कंट्री के द्वारा बात की जा रही है पाकिस्तान के ऊपर लगभग 200% की ड्यूटी लगाने का, जो भी गुड्स जो होते हैं पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किए जाते हैं 16 फरवरी तक पीछे बैकग्राउंड में जाकर यहां पर इनके ऊपर वो लगाया जाएगा, बेसिकली जो ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि वहां से कोई भी प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आता है तो वो महंगा हो सके, हमारी कंट्री में कोई डंपिंग नहीं की जा सके। लोकसभा राज्यसभा के द्वारा भी इसको अप्रूव कर दिया गया है कस्टम टैरिफ एक्ट के हिसाब से यहां पर, ठीक है। तो ये स्टेचुरी रेजोल्यूशन था यहां पर जो कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के द्वारा भी यहां पर एक एक्ट के द्वारा पास किया गया था ताकि हमारी कंट्री का पाकिस्तान के साथ में, देखिए कई बार क्या होता है अगर आज के में सबसे ज्यादा मैक्सिमम चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी फेक करेंसी कोई आना है, कोई ऐसी हरकतें होनी है, तो ये सारे रिश्ते सारी ऐसी चीजें पाकिस्तान की साइड से होती है, इलीगल तरीके से व्यापार करना है, तो इसलिए कैसे कंट्रोल की जा सकती है सिचुएशन इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है हमारी कंट्री का फर्स्ट इंडिजिनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि हमारे द्वारा डेवलप किया गया, नाम है विक्रांत, ये हमारी कंट्री में नेवी को मिलेगा 2021 में, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो यहाँ पर वाइस एडमिरल है AK सक्सेना, इनके द्वारा यहाँ पर ये बातें इस तरीके से बताई गई है कि आने वाले टाइम में ये हमारी कंट्री में इंक्लूड होने वाला है। तो हमारी जो वारशिप प्रोटेक्शन एक्वाइजेशन जो कंट्रोलर यहाँ पर जो यूनिट है बेसिक, तो ये एक तरीके से हमारी कंट्री की इफिशियंसी बढ़ाएगा काफी लार्ज स्केल पर, और कई चीजें ऐसी चीजें रहती है दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी भी हमारी ये कम करने वाला है, तो एक पॉजिटिव बात बोल सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं जो थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज और वो भी बड़ी न्यूज, थोड़ी लेंथी नहीं, जो कि डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज सबसे पहले आप लोगों के सामने है। रिसेंटली अभी आप लोगों को पता है कि ईरान का और यूएसए का जो इश्यू चल रहा है उसको लेकर एक बात कभी न्यूज में आ रही है कि ईरान जो है वो जो यूरेनियम को एनरिच कर रहा है आगे एटम बम वगैरह बनाने के लिए, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसी के चलते इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये यहां पर जिसको IAEA भी आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा यहां पर अभी बोला गया है कि वो वेरीफाई करेगा ईरान का एनरिच जो यहां पर अभी उसके द्वारा बोला जा रहा है कि वो 2005 में जो न्यूक्लियर डील साइन की गई थी उससे यहां पर आगे निकल चुका है या उसी लेवल पर है। ये यहां पर बोला जाता है वर्ल्ड वाइड एटॉमिक, ये एटॉमिक्स फॉर पीस एंड द डेवलपमेंट, यानी कि जैसे हमारी कंट्री में भी कई सारे आप लोगों
ये न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिल जाएंगे, जो कि बेसिक फोकस क्या रहता है, बेसिक फोकस रहता है कि हमारी कंट्री में किस तरीके से एनर्जी जनरेट की जा सकती है ताकि लोगों तक पहुंचाया जा सके। पर लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उसको कैसे टैकल करना है, तो इसी के चलते यहां पर ये एजेंसी काम करती है कि ताकि पीसफुली यहां पर यूज किया जा सके पर्टिकुलर न्यूक्लियर का जो भी इस तरीके का प्रॉब्लम है उसको सेफ सिक्योर और पीसफुली यूज के लिए न्यूक्लियर साइंस एनर्जी को यूज किया जा सके। तो ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट यहां पर ये खासकर इंडिपेंडेंट यूनाइटेड नेशन ये क्या करती है, इंटरनेशनल ट्रीटी IAEA की एक स्टेट्यूट के थ्रू यहां पर पे पिक्चर में देखने को मिलती है, जो कि रिपोर्ट करती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को और सिक्योरिटी काउंसिल को। हेडक्वार्टर इसका वियना में है। अगर बात की जाए यहां पर आज के डेट में यूएन के जो मेंबर हैं वो सारे मेंबर देखने को मिलेंगे, होली सी भी यहां पर इसका मेंबर है। ठीक है, जो फॉर्मर डायरेक्टर है यहां पर ये मोहम्मद है इलबिर्दी। ठीक है, तो इसी के साथ में ज्वाइन किया गया था इनको यहां पर, इसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 2005 में पीस के लिए। तो 171 मेंबर के करीब आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम जो यूएन के मेंबर हैं वो आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। देखिए यूरेनियम जो होता है अगर उसको आप लोग नॉर्मल अगर आप लोगों को रखना है नॉर्मल सिचुएशन में वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 0.7% पे। पर लेकिन जैसे इसको अगर आप लोग एनरिच करेंगे तो 3 से 5 के बीच में एनरिच इसको कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर जाता है तो इसका मतलब है आप लोग यहां पर बॉम्ब बनाने की कैटेगरी में पहुंच रहे हैं। तो ये है यहां पर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर बात करें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के बारे में तो इसके बारे में हम लोगों ने समझ ही लिया कि क्या क्या है ये एजेंसी। एक बार और थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, यहां पर वियना में हेडक्वार्टर है, ऑस्ट्रिया में यूकिया मानो यहां पर आज के में इसके हेड हैं। फाउंड किया गया था 1957 में, मेंबर 1971 है। जो फॉर्मेशन किया गया जब ढंग से काम आगे होना स्टार्ट हुआ ये इसका हुआ यहां पर 1957 में। ठीक है, मतलब कि कहने का ये है कि इससे यहां पर काम स्टार्ट हो गया था इसका। इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है और नोबेल प्राइज का जरूर याद रखिएगा यहां पर। ठीक है, यहां पर जो फॉर्मर डायरेक्टर है जनरल महा एलबिर्दियो, ठीक है एलबिर्दियो, तो इनके यहां पर ये नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 2005 में। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। आगे जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है बैंकिंग न्यूज के बारे में। जो बैंकिंग न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है ये पेमेंट डेटा के बारे में निकल कर आ रही है। हमारी कंट्री में जो पेमेंट डेटा है खासकर उसके बारे में बात की जा रही है। सॉरी, ये तो कल न्यूज कवर हो गई थी, पेमेंट डेटा को लोकलाइज करने की बात की जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर पेमेंट डेटा को लोकलाइज करने की बात की गई थी, इसके ऊपर हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन भी देखा था। ठीक है, तो बेसिक फंडा यही है कि जो सारा डेटा है वो हमारी कंट्री में ओनली रहना चाहिए, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये न्यूज रिपीट होगी आप लोगों की, इंपॉर्टेंट है पर लेकिन याद जरूर रखिएगा इसके बारे में, क्योंकि देखिए अभी G20 के बारे में हम लोगों ने बात की थी और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके नाम पर हमारी कंट्री का जो डेटा होता है, हमारी कंट्री का वर्ल्ड में कहीं भी कोई डेटा है उसको मिसयूज किया जाता है। तो ताकि हमारा जो डेटा है, मान लीजिए आप लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अगर कहीं पर हैक कर जाता है कल को सारे बैंक अकाउंट के पैसे आप लोग उठते रहेंगे, तो यहां पर ये सारी सिचुएशन को हैंडल करना काफी जरूरी है। और आप लोगों को याद होगा मैंने एक इन्फॉर्मेशन भी दी थी आप लोगों को, हमेशा जो आप लोगों का एक मेन अकाउंट होता है जिसमें आप लोगों के सारे पैसे होते हैं उसका बेसिकली आप लोग कोशिश ये कीजिए कि उसका ATM ही ना रखें आप लोग। ठीक है ना, अगर आप लोगों को पैसा ट्रांसफर करना है उससे दूसरे अकाउंट में जो आप लोगों को रेगुलर यूज करना है उसमें 5-7 हजार रुपए रखें और वहां से इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू दूसरे वाले अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करें, वहां से उसका ATM रखें और उसको यूज करें, क्योंकि ATM का क्लोन बनाया जा रहा है आज के डेट में और कई सारे लोगों के पैसे भी यहां पर निकाले जा रहे हैं और आप कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। क्यों, ये बोलेगा सामने वाला जहां पर जाकर आप लोग कोई भी इस तरफ रिपोर्ट करेंगे कि आपने किसी को ATM दे दिया होगा, उसने पैसा निकाल लिया, वहां से ऐसा फील होगा, ऐसा नहीं होगा किसी ने चोरी कर लिया। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछे जाते हैं। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात यहां पर की जा रही है। यह है इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर, यानी कि एक तरीके से जो भी यहां पर हमारी कंट्री में कई जानवर जैसे एलिफेंट हो गया, वाइल्ड बोर हो गया, मोंकी या ब्लू, यहां पर ये ब्लू बुल जिसको नील गाय भी आप लोग बोलते हैं, यहां पर आप लोग देखते हैं बेसिकली ये सारे जो जानवर हैं यहां पर ये सारे काफी लार्ज स्केल पर इनकी पॉपुलेशन बढ़ती नजर आ रही है। तो क्या किया जा रहा है यहां पर, ये जो हमारी कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है इसके द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसको बोला गया इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर, ये पॉपुलेशन मैनेज करने के लिए पर्टिकुलर इस वाइल्ड एनिमल की। बेसिकली होगा क्या, यहां पर एक प्रोटीन इनको दिया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा इनकी बॉडी में, खासकर जो फीमेल है, तो उससे क्या होगा जो इनका एग होता है उसके चारों ओर एक प्रोटीन आप लोगों को यहां पर जनरेट होता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते जो इनका जो एग है उसको फर्टिलाइज होने से रोकेगा, यानी कि पॉपुलेशन इनकी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, उसको रोका जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रोजेक्ट कहां पर बिगन किया गया, ये बिगन होगा ये उत्तराखंड में बिगन होगा सबसे पहले, फिर आगे अलग अलग राज्य में इसको फैलाया जाएगा। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट के द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, इसी के साथ में ये यहां पर जो डेवलपमेंट करने वाली है ये मिलकर यहां पर काम करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ में। रीजन ये है कि देखिए पिछले कुछ टाइम में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जानवरों के द्वारा इंसानों को मारा जा रहा है, तो इसकी वजह से
काफी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और ये हर साल काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं। 2398 लोग बोला गया कि अभी रिसेंटली 2014 से लेकर और 19 के बीच में मारे जा चुके हैं एलिफेंट की वजह से। और वेस्ट सबसे ज्यादा जो डेटा देखने को मिल रहा है ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है, तो इसको रोका जाए। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा इस तरीके की डेथ कौन से राज्य में देखने को मिली, तो ये है वेस्ट बंगाल। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट एंड यहां पर ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये दोनों मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं और यहां पर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सके, इसलिए यहां पर ये इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्टिक जो टेक्नोलॉजी के थ्रू यहां पर फीमेल फर्टिलाइजेशन जो होता है उसको रोका जाएगा जानवर के अंदर। चार है यहां पर ये बेसिक जो है एलिफेंट, वाइल्ड बोअर, इसके साथ में मोंकी और ब्लू, यहां पर ब्लू बुल यानी कि जिसको नील गाय बोलते हैं। तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां से निकल जाते हैं। ओके आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है बेसिकली, तो दूसरी है, एक मिनट रुकिए, ये भी आप लोगों की वाइल्ड लाइफ के बारे में ही है बेसिकली। यहाँ पर एक आर्टिक फोक्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली, अभी न्यूज में थी काफी, उसको ये माना जा रहा है कि वो नॉर्वे से कनाडा पहुंच गई चलते चलते, ठीक है। बेसिकली अगर आप लोग देखेंगे यहां से ये हो गया यहाँ पर बेसिक जो रूट है यहाँ पर, ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि यहां पर ये पूरी लंबी जर्नी यहां से आप लोग देखते हैं, ये यहां से लंबी जर्नी होते हुए यहां पर इसको माना गया पहुंच गई है। तो ये क्या था बेसिकली, ये है यहां पर इसकी पिक्चर, अगर आप लोग देखेंगे ये यहां पर ये माना जा रहा है कि ये फूड के लालच में आकर, यानी कि इसको खाना नहीं मिल पा रहा था पर्टिकुलर एरिया में। आप लोगों को पता है कि वाइल्ड लाइफ के जो भी एनिमल है काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसको ढूंढते ढूंढते ये इसके द्वारा ये ह्यूज जर्नी यहां पर इसके द्वारा चली गई। तो ये स्टडी अभी रिसर्च पब्लिश की गई है नॉर्वेन पोलर इंस्टीट्यूट में, जिसमें यहां पर ये बातें बताई गई है कि काफी लंबी डिस्टेंस इसके द्वारा तय की गई है। और ये जो है इसके बारे में आप लोग और भी बातें याद रख सकते हैं कि देखिए लैक ऑफ अवेलेबिलिटी फूड की वजह से, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा किसकी वजह से यहां पर पहुंची है, तो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी फूड की वजह से, क्योंकि जिस एरिया में पहुंची है उस एरिया में इस तरीके आर्टिक फोक्स नॉर्मली नहीं पाई जाती है, तो इसलिए वहां पर अगर पहुंच गई है तो इसके बारे में आप लोगों को ये काफी न्यूज में है। और खासकर इन्वायरमेंट पर इंसानों का क्या नुकसान पड़ रहा है और उसकी वजह से किस तरीके से ये जानवर झेल रहे हैं, ये भी एक बात यहां पर निकल कर आती है। तो इसलिए इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। पहले तो इसके कॉमन नाम और देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर आर्टिक फॉक्स के नाम से पकड़ा जाता है, कोस्टल फॉक्स के नाम से, ब्लू फॉक्स के नाम से, पोलर फॉक्स के नाम से और स्नो फॉक्स के नाम से, ये कोई सा भी नाम आए तो वो इसका नाम है। दूसरा वुल्फ्स लेगोपस, यहां पर ये इसका साइंटिफिक नाम है। IUCN की लिस्ट में यहां पर ये लिस्ट कंसर्न जो प्राणी है उसकी कैटेगरी में इसको डाला गया है। आगे आने वाले टाइम में यहां पर और ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अपीयरेंस जो होता है नॉर्मली ये आर्टिक फॉक्स का आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो बेसिकली इफिशियंसी जो विंटर, देखिए बेसिकली क्या होता है अगर ऐसे एरिया में कोई जानवर पाया जाता है ना, तो आप लोगों को देखना मिलेगा जो मान लीजिए कोई बर्फ के ऊपर घूमता है तो आप लोगों से पूछा जाता है, उसके बाल जो होते हैं आप लोगों को काफी वो देखने को मिलेंगे, थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे ताकि वहां पर उस एरिया में उसको ठंड वगैरह कम लग सके। इसी के चलते जो रीजन रहता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप लोगों को देखने को मिल रही है आर्टिक रीजन में, टुंड्रा बायोम, जो कि आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो ये है यहां पर, तो ये जो फोक्स है ये ब्यूटीफुल व्हाइट कलर की आप लोगों को देखने को मिलती है, ऐसा लगता है कोट फर वाला नहीं है वो, ऐसा यहां पर देखने को मिलता है। तो ये ब्यूटीफुल जानवर है जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में है, आइडिया हल्का सा रख सकते हैं। और ये ऊपर वाला जो एरिया होगा यहां पर, ठीक है, आर्टिक वाला एरिया, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात की जा रही है एजुकेशन के बारे में और हमारी कंट्री में जो बजट प्रस्तुत किया गया अभी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की यहां पर बात की गई निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, यानी कि इनोवेटिव वे में कैसे हम लोग फोकस दे सकते हैं, इसके लिए 400 करोड़ रुपए का योगदान देने की बात की गई है, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बनाने की बात की जा रही है। स्टडी इन इंडिया भी एक प्रोजेक्ट है यहां पर, जिसके तहत बाहर की कंट्री के जो बच्चे हैं हमारी कंट्री में कैसे पढ़ सकते हैं उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा रिसर्चर को प्रमोट करने की बात की जा रही है और इसी के साथ में एजुकेशन के ऊपर भी काफी फोकस किया जा रहा है इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर, तो इसके बारे में आप लोग जरूर आइडिया रखेगा, ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जल जीवन मिशन के बारे में। जल जीवन मिशन जो है यहां पर ये आज की डेट में हमारी कंट्री में 2024 तक ये बोला गया है कि सबको पाइप वाटर की सप्लाई की जाएगी, यानी कि हर घर जल योजना अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ये भी हमारी कंट्री में अभी बजट में अनाउंस की गई है, ताकि हर एक इंसान को एक अच्छा पीने योग्य पानी पिलाया जा सके, पाइप वाटर यहां पर पहुंचाया जा सके, तो इसको जल जीवन मिशन बोला गया है। ड्रिंकिंग और सैनिटेशन के ऊपर फोकस दे रही है यहां पर जो हमारी कंट्री की जल शक्ति मिनिस्ट्री है, तो कितनी डिमांड है, कितनी अप्लाई करनी है, वो सारा प्रॉपर यहां पर मैनेजमेंट किया जाएगा। सेंट्रल और स्टेट मिलकर दोनों काम करेंगे यहां पर इसको सप्लाई करने के लिए। लगभग जो आइडेंटिफाई किया गया है यहां पर 1592 ब्लॉक यहां पर आइडेंटिफाई किए गए हैं और 256 यहां पर डिस्ट्रिक्ट जो कि इसके तहत इंप्लीमेंट किया जाना है। तो ये याद रखिएगा, बेसिकली अभी आप लोगों को पता भी है कि जैसे कि हम लोगों ने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था यहां पर कंपनसेशन एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी, ये क्या होती है, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से मान लीजिए फॉरेस्ट काटे गए तो फिर फंड दिया जाता है कि आप लोग किसी दूसरे एरिया में जाकर फॉरेस्ट लगा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका प्रोजेक्ट होता है कि हाँ इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं, पर लेकिन ये ज्यादा अच्छे से काम नहीं हो पाता है वो आप लोगों को पता ही है,
यूवी फॉरेस्ट जो है वो काफी लंबे समय तक यहाँ पर जब उगाए जाते हैं तब जाकर यहाँ पर काम बनता है, पर लेकिन इस थोड़ी ना कि काट के यहाँ से कहीं और लगा लो ले जाकर, ये घर थोड़ी ना यहाँ से तोड़ो कहीं और लगा लो जाकर, तो वो एक गलत तरीका है। जल शक्ति जो मंत्रालय यहाँ पर, ये यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा, ये इंटीग्रेशन है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड गंगा रिज्यूनेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, इनको मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया जो कि इसको पूरा देखने वाला है पर्टिकुलर प्रोग्राम को, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आज एक बैंक के बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं, ये बात की जा रही है अलाहाबाद बैंक के बारे में, ठीक है, सॉरी आंध्रा बैंक के बारे में। आंध्रा बैंक जो यहाँ पर, ये हैदराबाद में देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश अलग हो गया पर लेकिन बैंक हैदराबाद में है। 1923 यानी कि आजादी के पहले इसको बनाया गया था। यह है भोगा राजू पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। ये बेसिकली आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे ये पर्टिकुलर बैंक काफी अच्छे लेवल पर यहाँ पर सर्व करता है हमारी कंट्री में, और जो इसकी थीम है, ये टैगलाइन जो है यहाँ पर वेयर इंडिया बैंक, तो इस तरीके से आप लोगों से टैगलाइन कई बार पूछी जाती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग बताइए, अलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? कहने के लिए अलाहाबाद है पर लेकिन हेडक्वार्टर आप लोग देखिएगा, इसके सीईओ हैं यहां पर जे पेकिस रामी, ठीक है, तो ये इसके सीईओ हैं यहां पर, एक मीडियम साइज का पब्लिक सेक्टर ये बैंक है आज के में हमारी कंट्री में। बाकी कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर तैयारी कैसे करनी है। देखिए, कई सारे जो नए बच्चे आते हैं ना उनको पता नहीं है, यहाँ पर ये सारी वीडियो बनाई जा चुकी है, आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं कि तैयारी कैसे करनी है, तो सिलेबस क्या है, बुक क्या है, क्या टाइम टेबल बना सकते हैं, नोट्स कैसे बना सकते हैं, पूरी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस की गई है ये वीडियो, आप लोगों का पूरा स्टडी प्लान नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आइए देख लेते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे जाना, इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर क्विज देखा, इसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट जो देखा यहाँ पर क्या प्रोजेक्ट की तैयारी की जा रही है हाईवे अथॉरिटी के साथ में मिलकर, ये यहाँ पर एमओयू साइन किया गया, अभी स्किल कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर राहुल द्रविड़ जी आप लोगों को देखने को मिला, इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया, और यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कमेटी सेटअप की गई है कैसे चीजों को सुधारा जा सकता है, पाकिस्तान के साथ में कम काम करने की बात की जा रही है, और ये है विक्रम जिसके बारे में एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर ये हम लोग को देखने को मिली, ये यहाँ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के बारे में बात की जा रही है, एनर्जी एजेंसी जो कि फोकस करेगी ईरान के ऊपर क्या क्या सिचुएशन चल रही है। पेमेंट बैंक के बारे में ये रिपीट इन्फॉर्मेशन होगी जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है जानवरों से रिलेटेड जो इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर है, कौन से जानवरों के लिए है, क्या क्या है, तो वो डिटेल में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आर्टिक फॉक्स के बारे में जानने को मिली, डिटेल में समझा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो कि अभी बजट में अनाउंस किया गया है वो डिटेल में जाना, इसके अलावा यहाँ पर जल जीवन मिशन के बारे में जाना, और ये था आप लोगों का आज का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये आप लोगों का यहाँ पर जो आप लोगों को जाकर देखना है कि कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है। अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा साइन किया गया एमओयू किसके साथ में फंड करने के लिए, राहुल द्रविड़ को किसका अपॉइंट किया गया हेड, ये आप लोगों को बताना है। पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पर 200% की ड्यूटी लगाने की बात की गई है किस कंट्री के प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट इंडिजिनियस जो एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, ये कब तक कंप्लीट होकर नेवी को मिलने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर फाइनलाइज किया गया है एक प्रोग्राम, उसका नाम आप लोगों को बताना है इंप्रूवमेंट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर, और इसी के चलते एक कमेटी भी बनाई गई है, उसका भी नाम आप लोगों को बताना है कि कौन है चेयरपर्सन। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है पाइप वाटर हमारी कंट्री में कब तक पूरी कंट्री में पहुंचा दिया जाएगा, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। बाकी चीजों को शेयर कर दिया कीजिए, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को फायदा पहुंच रहा है तो किसी दूसरे इंसान को भी फायदा जरूर होगा, तो इसी के चलते अगर टाइम मिलता है तो किसी को पढ़ा दीजिए जरूरतमंद को, आपका भी फायदा होगा, रिविजन हो जाएगा और सामने वाले को कुछ सीखने को मिल जाएगा। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथिन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद। मॉर्निंग में 4 बजे, ठीक है।